हम लोग आ चुके हैं भीमबेटका, और यहाँ पे अभी हम लोग जहाँ पे हैं वहाँ पे टिकट काउंटर है। यहाँ से हम लोगों को गाड़ी का टिकट लेना पड़ेगा। देन यहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी का टिकट ले लिया है, जो कि पर व्हीकल 50 रुपये लगता है। देन हम लोग यहाँ से जाएंगे अब आगे। तो चलिए आगे का रास्ता आप लोगों को दिखा देते हैं हमें कैसे कैसे आगे जाना है। पूरा आगे का रास्ता वही भीमबेटका जाता है। तो चलिए हम यहाँ से जाते हैं अंदर। हे गज, तो अभी फिलहाल में हम लोग आ चुके हैं भीमबेटका। भीमबेटका एक ऐसी जगह है जो भोपाल से 40-45 किलोमीटर दूरी पे हो, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें जहाँ से मानव का उद्गम हुआ है, पहले कैसे रहते थे, चट्टानों में कैसे रहते थे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे। और आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए आज के वीडियो में कैसे हमारे पूर्वज यहाँ पर रहते थे और कैसे जो मानव है उसका उद्गम हुआ है। तो चलिए चलते हैं अंदर और आप लोगों को बताते हैं सारी चीज़ें। और यहाँ पे बहुत सारे कुछ पोस्टर्स हैं जिनकी मैं फ़ोटो अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगा, या यहाँ पे आप लोगों को यहाँ भी देख दूंगा। तो आप चाहे तो वीडियो रोक के वो भी पढ़ सकते हैं। ये पूरा अंदर जाने का रास्ता है, हम यहाँ से अंदर जाते हैं। और हमारे साथ हैं अभी सत्यम जिया जी और राजीव जिया जी, जो कि अभी फोटोशूट चल रहा है जिया जी का। देन यहाँ से हम मेन गेट से अंदर होते हैं। देन उसके अलावा यहाँ पे एक और है कुछ ऑडियो गाइड वगैरह जो भी यहाँ पे। चलिए एक बार हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगर आप इसे स्कैन करते हैं तो आपको ऑडियो गाइड मिल जाता है। ये कुछ लिखा हुआ है जो कि दूसरे वर्ड में लिखा हुआ है, आप लोग इसे नहीं पढ़ते हैं, इवन हम भी नहीं पढ़ सकते। देन उसके अलावा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ये पूरा मैप बना हुआ है। ये देखिए आप देख रहे हैं ना, पूरा मैप बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे बनाया गया है इन लोगों ने, और सब कुछ पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से। चलिए यहाँ से आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, और यहाँ से आप लोग चाहें तो आराम से यहाँ से पढ़ सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन, है ना। तो गाइस अभी देख रहे हैं ना ये वाली चट्टान कितनी लंबी है वहाँ पे। देन इसके अलावा ये देख रहे हैं ना आप, चलिए थोड़ा क्लोज जाके आप लोगों को दिखा देते हैं ये सारी चट्टान के व्यू। देखिए कितनी लंबी है, और अब सबसे बड़ी बात है कि ये बैलेंस कैसे रहती होगी। ये देख रहे हैं ना, बस इतनी सी चट्टान के ऊपर ये पूरी चट्टान यहाँ पर बैलेंस है, ये देखो इतनी बड़ी। देन उसके अलावा ये इस साइड वाली भी आप लोग देख सकते हैं, ये देख रहे हैं ना कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें यहाँ पर हैं। देख रहे हैं ना एक छोटी सी चट्टान के ऊपर ये पूरी बड़ी चट्टान कैसे बैलेंस है। और आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना चित्रकला, ये 1,00,000 साल पुरानी चित्रकला यहाँ पे दिख रही है, एक वो सामने दिख रही है। देन उसके अलावा ये पूरे नीचे तक, और उसके अलावा आप लोग देख रहे हैं ना नीचे की कितनी अच्छी ये यहाँ पर मूर्तियाँ बनाई गई हैं, और इसकी सारी जानकारी मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये सब कुछ यहाँ पर लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर ईजिली आराम से पढ़ सकते हैं। बस यहाँ पे देख लीजिए पीछे चट्टान देख रहे हैं ना, जो कितनी बड़ी चट्टान यहाँ पे हैं, और कितने छोटे छोटे पत्थरों पे बैलेंस है आप लोग देख सकते हैं। ये वाली, देन उसके अलावा ये वाली, जो दो तो मैंने दिखा दिए थे। देन हम चलते हैं तीसरी चट्टान के पास, ये जो पीछे दिख रही है ना, इसमें गुफा टाइप की हुई है, देखते हैं इसके अंदर जाने को मिलता है या नहीं मिलता है। देन उसके अलावा चट्टान पे जो मैंने दिखाई 1,00,000 साल पुरानी कैसी कलाकृति वहाँ पे है इस चट्टान के अंदर, आप देख रहे हैं ना ये सारी चट्टान कितनी बड़ी बड़ी चट्टान, मतलब आप लोग सोच भी नहीं सकते। बस यहाँ आके एक बार देखिए, काफ़ी अच्छा आप लोगों को लगेगा। देन उसके अलावा एक ये यहाँ से गेट है, आप चाहें तो वो चट्टान से यहाँ से भी डायरेक्ट आ सकते हैं। देन उसके अलावा हम देखिए यहाँ पर ये तीसरी सैला से क्रमांक थी, ये तीसरी चट्टान है। आप लोग इस चट्टान की भी नॉलेज यहाँ से पढ़ लीजिए, सारी चीज़ें सब कुछ यहाँ पे जो भी यहाँ पे लिखा गया है वो सब कुछ यहाँ पे दिखाया भी गया है, विद प्रूफ लिखा गया है। तो आप लोग इस चीज़ को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए ना, ये वाली कलाकृति कैसे इस वाले पत्थर पर बनी हुई है ना, तो हम लोग चल के ये भी दिखाते हैं। देन उसके अलावा ये वाली भी दिखाते हैं, ये भी यहाँ पर कैसे बने हुए, इस तरीके से सब कुछ यहाँ पर आज की वीडियो में दिखाने वाले हैं। ये यहाँ पर किसका हाथ बना हुआ है, करनी बालक के हाथ के पंजे की बाहरी रेखा करें जो अपने हाथ को, बहुत शानदार है। काफ़ी कलाकृतियाँ यहाँ पे बहुत अच्छी हैं, जो आप लोगों को ज़रूर एक बार देखने आना चाहिए। चलते हैं यहाँ से अंदर, तो आप देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पे चट्टान है, और इतनी बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में, मतलब आप सोच भी नहीं सकते यार कैसे ये पॉसिबल हो सकता है पहले के ज़माने में, आई कांट इमेजिन, है ना। आप देख सकते हैं ये सारी चट्टानें कितनी यहाँ पर एकदम चिकनी है,
है ना, देरस के अलावा इतनी बड़ी बड़ी चट्टान है, ये देख रहे हैं ना आप, ये सब कुछ यहाँ पे एकदम क्लियरली आप लोग देख सकते हैं, ये देख रहे हैं ना, ये भी यहाँ पे, ये सब कुछ, ये जो हमने आपको वहाँ पे पंजा दिखाया था ना, ये वाला वही पंजा है जो वहाँ पे दिखाया था। देन उसके अलावा एक और यहाँ पे कुछ वो मूर्ति टाइप की बनी थी फेस की, वो कहाँ है, ये वाली, ये देखें, ये थर्ड जो मैंने वहाँ पे आप लोगों को दिखाई थी डिजिटल में, ये वाली, ये देख रहे हैं ना, ये क्या है, और नत प्याले, ये देखिए। अब एक और था यहाँ पे जो फेस बना हुआ था फेस टाइप का, वो भी हम यहाँ पे सर्च करने की कोशिश करते हैं, अगर हमें मिलता है तो हम वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। देख रहे हैं ना यहाँ पे सारी चट्टान एक दूसरे से जुड़ी हुई है, मतलब फिर भी यहाँ पे कितनी बैलेंस है यार, ये देखो ज्वाइंट सारे दिख रहे हैं ना चट्टान के, एक ये वाला ज्वाइंट, फिर उसके अलावा एक ये वाली चट्टान यहाँ से जुड़ी हुई है, ये वाली चट्टान यहाँ से जुड़ी हुई है, देन ये वाली चट्टान, देख रहे हैं सारी चट्टान यहाँ पे एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अभी हम लोग यहाँ से और ज़्यादा अंदर चलते हैं, वो वाली ये वाली रॉक्स तो हमने यहाँ पे अंदर जाके घुमा दी थी, देन इसके अलावा हम लोग चलते हैं और ज़्यादा आगे, वहाँ पे भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को देखना चाहिए। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे भी देखा बहुत सारी कलाकृति, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो शायद आप लोगों ने नहीं देखी होंगी, तो वो हम लोग दिखाएंगे अभी आगे चल के, आगे चल के आप लोगों को और भी बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। अब देख रहे ना गाइस ये सारी चट्टानों को बैलेंस कितना सही है यार, मतलब कैसे एकदम रुकी हुई है, देखिए आप कितनी बड़ी चट्टान, ये लग रहा है ना इस पे, ये छोटे से पार्ट पे इतनी बड़ी चट्टान रुकी हुई है, ये देखिए। बस अभी हम यहाँ से जाने वाले हैं अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ भी बहुत कुछ ऐसा है जो आप लोगों को जरूर देखना चाहिए, इतने में ही ख़त्म नहीं हुई अभी भीमबेटका, अभी अंदर भी है, अंदर भी जाके आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे, तो वीडियो को जरूर अच्छे से देखते रहना। गाइस जब देख रहे हैं ना कितना अच्छा शानदार यहाँ पे लग रहा है यार, मतलब सारे पेड़ों के बीच में एकदम जंगल के बीच में काफ़ी अच्छा लग रहा है यार यहाँ पे, और इतनी बड़ी बड़ी रॉक्स हैं। देन इसके अलावा चलिए आप लोग यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे काफ़ी अच्छे में समझा गया है मानव का उद्विकास कैसे हुआ है, ये जगह वही है जहाँ पे मानव का उद्विकास हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं 400 वर्ष पूर्व हम लोग ऐसे थे, उसके अलावा 140 वर्ष पूर्व ऐसे हुए, फिर 50 लाख वर्ष पूर्व ऐसे, 25 लाख वर्ष पूर्व ऐसे हुए, 5 लाख वर्ष पूर्व, ये सारी सी चीज़ें यहाँ पर आती गई। देन उसके अलावा 35,000 वर्ष पूर्व हम लोग ऐसे हो गए, जो कि मॉडर्न में चल रहा है अभी, ठीक है। यहाँ पर मानव का उद्गम ही बताया गया है, कैसे हुआ है मानव का उद्विकास, ये भीमबेटका में बताया गया है। अभी हम लोग यहाँ से नीचे साइड चलने वाले हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे भी आप लोगों को कलाकृति सब कुछ चीज़ें बताई है, ऐसा यहाँ पे भी नीचे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताने लायक है, इसीलिए वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, वीडियो में आप लोगों को मज़ा आएगा, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आपको पता होना चाहिए कैसे मानव का उद्विकास हुआ है, जो कि इस जगह पर इस वीडियो में आप लोगों को बताया गया है। गाइस अभी हम लोग यहाँ से और ज़्यादा आगे आने वाले हैं, और आप जो चट्टान देख रहे हैं ना, ये भी बहुत बड़ी चट्टान है, इसके भी पास हम लोग जाते हैं, वो देखते हैं इसके पास कुछ कलाकृति हमें मिलती है या नहीं मिलती है। आप लोगों के इस वीडियो में बहुत सारे सस्पेंस रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में रहेंगी, इसीलिए वीडियो को केयरफुली देखना और अच्छे से भी देखना। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं उस वाली चट्टान के पीछे, तो यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे भी काफ़ी कलाकृति हैं बैठने के लिए, काफ़ी बड़ी बड़ी चट्टानें भी हैं, आप देख रहे हैं ये सारी चट्टानें यहाँ पे, मुझे लगता है बहुत सब कुछ इतनी सारी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। इसके पास भी कुछ कलाकृति है जो कि आगे आप लोग देख रहे हैं उस वाले बोर्ड पर दिख रही है, तो चलिए वहाँ पर पढ़ के देख लेते हैं एक बार हमें इस पर क्या कैसा देखने को मिलने वाला है इस वाली चट्टान पर, देन हम ये चट्टान पर सर्च करेंगे हमें क्या इस पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी आप लोग देख लीजिए ये कलाकृति यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये सेम, ये सारी 1 लाख वर्ष पुरानी है। देन उसके अलावा कुछ ये रही यहाँ पे, ये भी देख लीजिए, मतलब वो भी है, ये भी है, मतलब सारी चट्टान पे यहाँ पे कुछ ना कुछ है। आपको यहाँ पे आना चाहिए, घूमना चाहिए, और यहाँ पे ऑब्जर्व करना चाहिए क्या कैसे हमारे पूर्वज रहते थे, कैसी कलाकृति करते थे, ये सब कुछ यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा। पर आप लोग इस रॉक्स को भी यहाँ पर पढ़ लीजिए, इस पर क्या कैसा लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना ये सारे पहले जो ये पूरी कलाकृति बनी हुई थी, लेकिन अभी ये धीरे धीरे धुल्ली होती जा रही है, बस छोटा बहुत दिख रहा है जितना भी यहाँ पे दिख रहा है, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आप देख रहे हैं ना, ये वाले पॉइंट पे आप लोगों को ये वाला क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए आप इस पर फोकस कीजिए,
ऐसा लग रहा है कोई भूत वगैरह पता नहीं क्या तो भी कुछ भी बना दिया है यहाँ पे, है ना। और पहले इंसान को बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, अभी बहुत तरीके से डिजाइन करते हैं, लेकिन पहले एक लाइन खींची, दो लाइन साइड में खींची और तीन लाइन नीचे खींची, इस तरीके से वो इंसान की कोई भी तस्वीर बना देते थे। देन इसके अलावा आप लोग ये देख लीजिए यहाँ पे, ये भी एक बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। तो गाइस यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये पीछे जो भी कलाकृति बनाई गई हैं ये सारी एक लाख बस पहले बनाई गई हैं। अगर एक लाख बस पहले बनाई गई हैं तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आप लोगों को एक बार यहाँ आके देखना चाहिए सारी चीज़ें। तो गाइस आप देख रहे हैं ना, हम जा रहे हैं इस चट्टान के अंदर, यहाँ से निकलेंगे यार, मतलब काफ़ी बैलेंस चट्टान है, ये देख रहे हैं ना, यहाँ एक के ऊपर एक रखे हुए, सारी चट्टान एक के ऊपर एक बैलेंस है, इतनी बड़ी बड़ी चट्टान जो कि यहाँ पे देखो। चलिए यहाँ से निकलते हैं और यहाँ से भी देखते हैं, यहाँ पे भी शायद कुछ कलाकृतियाँ यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे सब कुछ, हर एक चट्टान पे कुछ ना कुछ बना हुआ है, जैसे इस वाली चट्टान पे आप लोग देखते हैं तो यहाँ पे ये घोड़े पे सवार होकर देख रहे हैं ना, वो वहाँ पे जो भी उनके हथियार वगैरह थे वो लिए हुए हैं, ये घोड़े पे सवार हैं और वहाँ पे इस तरीके से वो शिकार करते थे। ये देखिए आप, ये भी यहाँ पे बनाए गए हैं, ये भी यहाँ पे बनाए गए हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनाए गए हैं। पे देख रहे हैं ना, ये अभी रॉक 7 है, इस पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई गई हैं। आप लोगों ने जो अभी देखा है जैसे कैसे घोड़े पर चढ़ के सवार करते थे, हथियार लेके, देन ये सब कुछ यहाँ पर बनाया गया है ना, जो अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस वाली वीडियो में। फिर हम चलते हैं आगे 8 नंबर रॉक्स की तरफ, ये 7 होगी, आगे देखते हैं कौन सी है और उस पर हमें क्या कैसी कलाकृति मिलती है वो भी आप लोगों को इस वीडियो में दिखाते हैं। तो आगे चल के और भी बहुत कुछ आप लोगों को देखने मिलने वाला है, जैसे कि यहाँ पर मैप में आप लोग देख लीजिए, ये पूरा यहाँ पर मैप है और अभी हम आ चुके हैं रॉक नंबर 7 पे, है ना। देन हम चलने वाले हैं, अब टोटल 15 रॉक, हम सारी 15 रॉक कवर करेंगे। देन उसके अलावा एक और रॉक यहाँ पर मेरे पीछे दिख रही है, ये वाली रॉक भी आप लोग देख लीजिए, ये कौन सी रॉक है और इस पर हमें क्या मिलता है, तो चलिए वो भी हम लोग आपकी वीडियो में बता देते हैं। तो गाइस आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे भी काफ़ी कलाकृति बनी है, एक यहाँ पर देख लीजिए ये भी बनी हुई है, देन इसके अलावा ये ऊपर भी बनी हुई है, मतलब काफ़ी चीज़ें अब तो धुंधली होती जा रही हैं, फिर भी यहाँ पे बहुत क्लियरली यहाँ पे दिखती हैं, मतलब 1 लाख वर्ष हो गया फिर भी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें क्लियर दिखती हैं, तो उस टाइम पर कितनी सही दिखती होंगी यार, मतलब अलग ही यहाँ पर भी हुए। तो गाइस अभी हम ला चुके हैं जो रॉक्स है वो 8 पे आ चुके हैं, है ना। इस पे देखते हैं इस पे क्या क्या कलाकृति हमें देखने को मिलती हैं, तो यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं, तो चलिए वो भी आप लोगों को जूम करके दिखा देते हैं ना। तो गाइस अभी आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे बनाई गई हैं और यहाँ पे भी पानी नहीं गिरा है, तो ये भी काफ़ी सेफ हैं। तो ये रास्ता गई है रॉक नंबर 9 के पास, तो हम लोग चलते हैं इसके नीचे से, काफ़ी छोटा रास्ता है यहाँ से, चलिए यहाँ से नीचे से निकलते हैं हम लोग, थोड़ा झुक के आराम से यहाँ से निकलना पड़ेगा, है ना। ये देख लीजिए, ये चला चुके हैं रॉक नंबर 9 के पास, यहाँ पे भी काफ़ी कलाकृतियाँ देखने को मिलेगी, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मिट भी गई हैं, काफ़ी पुराना हो गया फिर भी यहाँ से बहुत कुछ यहाँ पे दिख रहा है ना, आप देख रहे हैं ना, एक ये वाली कलाकृति, वो यहाँ पे हाथी बना हुआ है, ये सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है, है ना। हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे रॉक सेंटर 8 नंबर पे, यहाँ पे भी कुछ कलाकृति बनी है जो भी आप लोग देख लीजिए वीडियो में, यहाँ तो ये सीढ़ियाँ अभी बनाई गई हैं, देन उसके अलावा यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीमेंट भी गई हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें जो बहुत क्लियर दिख रही हैं, आप लोग यहाँ से देख लीजिए, रेड कलर में दिख रही है ना, ये यहाँ पे सारी आर्ट्स हैं। इसके अलावा ये भी देख लीजिए, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं रॉक। अब हम चलते हैं यहाँ से रॉक नंबर 12 के पास, चूँकि 50 मीटर दूर है, तो यहाँ से चलते हैं डायरेक्ट, है ना। ये पूरी चट्टान के नीचे से जाना पड़ेगा, आप देख रहे हैं ना, काफ़ी चट्टान यार, कैसे इतनी स्टेबल हैं, कैसे इतनी बैलेंसिंग है, ये सोचने वाली चीज़ है। वो देख रहे हैं, वो सामने दिख रही है ना, वो रॉक नंबर 12 है, सामने दिख रहे हैं ना, ये रॉक नंबर 12 है, इस पर भी कुछ कलाकृति देखने को मिलेगी, मतलब यार सारी रॉक पर कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है यहाँ पर, है ना। तो चलिए देख लेते हैं रॉक नंबर 12 पे क्या मिलता है, कुछ रॉक्स पे तो इतनी अच्छी क्रिएटिविटी है जो आप लोगों को जरूर देखना चाहिए, मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आप लोगों को जरूर उसमें दिख जाएगा। ये रॉक नंबर 12 है और इस पर हम आगे चल के देखते हैं क्या हमें देखने को मिलता है रॉक नंबर 12 पे। देन उसके अलावा यहीं से हम लोग निकलते हैं रॉक नंबर 15 की तरफ, है ना, ये वाला रास्ता रॉक नंबर 15 की तरफ ही गया है और यहाँ से 12 पे जो भी बना हुआ है वो भी यहाँ से दिख जाएगा हमें। तो वैसे आप देख रहे हैं रॉक नंबर 12 पे भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बनी हुई हैं, ये देखिए आप नीचे। अब हम आ चुके हैं रॉक 13 के पास, इस पर भी कुछ कलाकृति देखने को मिलती हैं, तो इस पर देखते हैं हमको क्या कैसा हमें देखने को मिलता है। इसे तो फिलहाल अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी मिट भी गई हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है यार।
यहाँ पर मैंने इस वीडियो में काफ़ी सारे यहाँ पर सारी रॉक्स कवर कर दिए हैं और इसमें बता दिया है क्या कैसा हमें क्या क्या किस रॉक्स में देखने को मिला है, सब कुछ वहाँ पर आप लोगों को डिटेल में दे दिया है। सारी रॉक्स पर जो भी लिखा हुआ है, जो भी बना हुआ है, सबकी डिटेल मैंने भी आप लोगों को बता दी है। तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना एक काम करते हैं, आपको डायरेक्ट यहाँ से रॉक्स बताने के बाद हम चलते हैं सेल्फी पॉइंट पर। सेल्फी पॉइंट पर लेके चलते हैं, वहाँ पर कुछ सेल्फी लेते हैं और वहाँ पर आप लोगों को बताते हैं क्या क्या वहाँ पर और कैसा नज़ारा है सेल्फी पॉइंट से। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट सेल्फी पॉइंट से, वहीं आप लोगों से बात करता हूँ। तो गाइस अभी हम लोग चलते हैं डायरेक्ट सेल्फी पॉइंट की तरफ। ये जो रास्ता देख रहे हैं ना, ये सेल्फी पॉइंट का ही। तो हम लोग वहाँ पहुँचते हैं और कुछ सेल्फी लेते हैं और वहाँ का व्यू भी आप लोगों को बता देते हैं। तो गाइस ये है यहाँ का व्यू पॉइंट, हम चलते हैं यहाँ से डायरेक्ट ऊपर, देखते हैं यहाँ पे। अभी हम लोग आ चुके हैं, देन इसके बाद ऊपर चलते हैं यहाँ पे। तो गाइस यहाँ से देख लीजिए काफ़ी सारी रॉक्स यहाँ से दिख रही है और सबसे बड़ी बात ये यहाँ पे देख लीजिए कछुआ की आकृति की रॉक यहाँ पे दिख रही है। देख रहे हैं ना ये कछुआ की आकृति की रॉक, यहाँ पे हम इसे जूम करके भी दिखा देते हैं। ये देखिए एकदम पूरी कछुआ की आकृति की दिख रही है। देन उसके अलावा और भी रॉक्स यहाँ से दिख रहे हैं, तो चलिए वो भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। गाइस आप देख रहे हैं यहाँ से भी काफ़ी सारी रॉक्स दिख रही हैं। ये यहाँ से व्यू पॉइंट है, यहाँ से मोस्टली सारी रॉक यहाँ पे दिखती हैं, छोटी बड़ी सब कुछ, जितनी भी रॉक्स हैं ना 1, 2, 3, 4 ये सब कुछ, 7 जो 12 रॉक्स अपने देखी थी वो सब कुछ दिखती हैं। टोटल यहाँ पे 15 रॉक्स हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ ओनली 12 रॉक्स आप लोगों को दिखाई हैं क्योंकि सिमिलरिटी सारी रॉक्स में बस वही है। वीडियो लंबी ना होने की वजह से मैंने यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को 12 रॉक्स ही दिखाई हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए सारी रॉक्स यहाँ पे इजीली आराम से दिख रही हैं। यहाँ से ये व्यू पॉइंट है, यहाँ से सारी रॉक्स दिखती है। यहाँ पे जो भीमबेटका की एंडिंग होती है वो बस यहाँ पे जो व्यू पॉइंट है, यहाँ पे आने के बाद भीमबेटका की एंडिंग हो जाती है। तो हम देख रहे हैं पीछे कितनी सारी कलाकृतियाँ बनी हैं। अब सबसे अहम बात ये होती है कि कलाकृतियाँ मिट्टी क्यों नहीं है। आपने मैंने इतनी सारी रॉक्स आप लोगों को दिखाई हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 1 लाख वर्ष यहाँ पे हो चुका है फिर भी ये कलाकृतियाँ नहीं मिट्टी हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि जो यहाँ पे रॉक्स है ना, ये सारी रॉक्स कलर को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से ये सारी कलाकृतियाँ अभी तक बनी हुई हैं और यहाँ पर मिट्टी नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ पे आपको व्यू पॉइंट पे चल के भी बता दिया है क्या कैसा वहाँ का व्यू दिखता है, क्या क्या दिखता है, सब कुछ चीज़ें हमने आज की वीडियो में बता दी हैं। अगर आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। थैंक यू।